नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परीश शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। मुख्यमंत्री ने सत्र में किया बजट पेश, प्रदेश भर में किसी ने किया स्वीकार तो किसी ने किया बजट से इनकार। बजट पर प्रदेश की जनता बोली, गरीबों के हित में नहीं रहा बजट तो गृहिणी ने कहा कैसे चलेगी रसोई। मैक्लोडगंज में तिब्बतन मोनिस्ट्री से किया चीनी मूल नागरिक गिरफ्तार, खुफिया एजेंसियों ने जासूसी होने का किया शक जाहिर। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में देवधार ट्रॉफी खेलने आए हरभजन सिंह और पार्थिव पटेल ने सराहा स्टेडियम, कहा बेहद खूबसूरत है स्टेडियम। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बजट की। प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने 2012-2013 के बजट में हर समाज के वर्ग के लोगों को राहत देने की कोशिश की है और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इस बजट को आम आदमी का बजट बताते हुए उन्होंने राहत देने की बात कही है। लेकिन वहीं जब के चैनल की ओर से बजट पर जन प्रतिक्रिया ली गई तो कुछ लोगों को यह बजट नहीं भाया है। तो चलिए सीधे चलते हैं धर्मशाला की जनता के पास और सुनते हैं कि क्या कह रही है आम जनता। 2012 और 2013 के लिए जो बजट पेश किया वो चुनाव आने वाले चुनावों के मद्देनजर रखते हुए किया है। इसमें छात्रों के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है, सभी आम आदमी के लिए कोई राहत नहीं है। जबकि केंद्र से बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आई है, उसका कहीं भी जिक्र नहीं है, ना तो स्वास्थ्य में, ना तो शिक्षा के क्षेत्र में, ना कहीं भी। ये बजट बिल्कुल आम आदमी के हित में नहीं है। पूरे जैसे अभी देख सकते हैं चुनाव आ रहे हैं, उनको नज़दीक आता देख कर जो है वो बजट वैसा पेश किया गया है, तो सामान्य बंदे के लिए ये जो बजट है ये लाभदायक नहीं है। ये बजट बिल्कुल दिशाहीन है, लोगों को सिंपली गुमराह किया गया है और इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रदेश की आम जनता के लिए सब बेनिफिट हो सके। और ये बजट गुमराह करने वाला ज़्यादा है और इसका कोई आम जनता की आम लाइफ से कोई कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, बाकी कुछ नहीं है। बजट आया 2012 और 2013 का, इतना गंदा है कि पूछो नहीं। आम औरत से लेकर हर वर्ग के लिए, ये विशेषकर गरीब लोगों के लिए तो बहुत ही बुरा बजट है। रसोई में हम लोग आराम से खाना हो, किसी मजदूर तबके का तो बिल्कुल बेमुनासिब हो गया कि वो नहीं खाना खा सकता। आम नागरिक जो अपने आप को मध्यम कैटेगरी में कहते हैं, उन लोगों का भी रसोई चलाना दुश्वार हो गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट को पालमपुर के लोगों ने सराहा है। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते वक्त हर वर्ग का ध्यान रखा है। भवाना ब्लॉक प्रधान महासंघ के अध्यक्ष तनु भारती ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने विकासात्मक बजट पेश कर प्रदेश को नई उम्मीद दी है। उन्होंने कहा कि कई सालों से पंचायत प्रतिनिधियों का मनादे बढ़ाने की मांग को पूरा कर मुख्यमंत्री ने इतिहास रचा है। पिछले कल हिमाचल प्रदेश का बजट पेश किया है, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि जो बजट पेश किया गया है उसमें प्रदेश के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, प्रदेश का हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। समय से मांग चली आ रही थी कि पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया जाए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रधानों का मानदेय 1200 रुपये से सीधा बढ़ाकर 1800 रुपये कर दिया है। हाँ, इस बार बजट का अच्छा रुझान रहा है हमारे देखने में और समझने में या पढ़ने में। जैसे धूमल जी ने बजट पेश किया है, आम लोगों को राहत मिली है इससे, और ना कि एक्स्ट्रा, चाहे वो मुलाजिम है, चाहे पंचायत के माध्यम से है, नरेगा के माध्यम से है, तो इसमें अच्छा लगा थोड़ा कि किसी के ऊपर ज़्यादा बजट नहीं पड़ा। इसका आम पब्लिक इसमें खुश भी नज़र आई और देख सकते हैं आप, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया इसके। बहुत ही अच्छा है और हम सब व्यापारी भाइयों के लिए भी अच्छा है, एवं जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्ग हैं उनके लिए भी कुछ उन्होंने जो स्कीमें लॉन्च की हैं वो बहुत अच्छी हैं।
और जितना भी अभी कुछ एक स्टूडेंट्स के लिए जो टॉप करते हैं उनके लिए एक सुनने में आया है कि एक लैपटॉप दिया जाएगा, तो ये भी एक अच्छी एक हिमाचल की तरफ से एक शुरुआत है जिसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का धन्यवाद करते हैं। बात एक संदिग्ध व्यक्ति की। नगलोडगंज जहां दलाई लामा का निवास स्थान भी है, वहां बुधवार देर शाम एक संदिग्ध चीनी मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। चीनी मूल का नागरिक पिछले एक सप्ताह से नगलोडगंज स्थित तिब्बतियन मेनुस्ट्री में रह रहा था। खुफिया एजेंसियों को यह एक जासूसी का मामला लग रहा है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बुधवार देर शाम नगलोडगंज में एक संदिग्ध चीनी मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। खुफिया एजेंसियों को यह एक जासूसी का मामला लग रहा है। पुलिस ने जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो उसके दस्तावेज की जांच भी की गई, जिससे पुलिस को पता चला कि इस चीनी नागरिक का नाम जिंग जी है, जिसकी उम्र 27 साल है। बताया जा रहा है कि यह चीनी मूल का नागरिक नेपाल के वीजा पर अवैध तरीके से भारत में घुसा है। इस व्यक्ति को आईबी की सूचना पर तिब्बतियन मोनेस्ट्री से गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निहाल सिंह ने बताया कि धर्मशाला पुलिस ने नगलोडगंज स्थित तिब्बतियन मोनेस्ट्री से इस चीनी मूल के नागरिक जिंगजी को गिरफ्तार किया है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं को बोलने में असमर्थ है और उसके पास यहाँ ठहरने के दस्तावेज भी ठीक नहीं थे। इस कारण पुलिस को इंटरोगेट करने में मुश्किल आ रही है। पिछले कल हमने नगलोडगंज में एक चाइनीज नेशनल चैंग जी को पकड़ा है, जिसके पास यात्रा दस्तावेज ठीक नहीं थे। इस आधार पर हमने उसको 14 फॉरनर एक्ट के तहत अरेस्ट किया। इस व्यक्ति को इंग्लिश की जानकारी नहीं है और साथ में हिंदी भी नहीं आता इसको, जिस कारण हमें इसमें इंटरोगेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए हमने इंटेलिजेंस ब्यूरो के थ्रू दिल्ली से जो चाइनीज भाषा को जानते हैं उनको इंटरोगेट करने के लिए रिक्वेस्ट की है। शायद उनके कल तक आने की संभावना है। फिलहाल अभी तक इसमें कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं पाई जा रही है। फर्दर इंटरोगेशन पर जो भी होगा उसके बारे में आपको उस बाद में। उन्होंने कहा कि पुलिस जिंगजी को इंटेरोगेट करने के लिए दिल्ली आईबी से चाइनीज भाषा को जानने वाले विशेषज्ञों को यहां बुलाया जा रहा है, ताकि इस व्यक्ति से गहनता से पूछताछ की जा सके और इस बात का भी खुलासा हो सके कि ये व्यक्ति किस मकसद से यहां पहुंचा था। के चैनल के लिए मैकलोडगंज से नृपजीत निपी की रिपोर्ट। बहरहाल बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं के चैनल। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबॉन्ड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। क्या आप अपने घर में रखे भारी भरकम टेबल की वजह से परेशान हो चुके हैं? क्या आपको एक ऐसा टेबल चाहिए जो आपकी जरूरतों के मुताबिक काम करे? और क्या आप एक ऐसा टेबल चाहते हैं जिसे आप कहीं पर भी लेकर जा सकें? अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर उठाइए फोन और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर अभी फोन करें। आधुनिक पिकनिक टेबल जो काम करेगा आपकी जरूरतों के मुताबिक। अगर आप कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं या कहीं आउटिंग करने की सोच रहे हैं तो फिर पिकनिक टेबल आपकी आउटिंग को यादगार बना देगा। पिकनिक टेबल काम करता है आपकी जरूरत के हिसाब से। आप इसे एक टेबल की तरह ही नहीं बल्कि एक डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल या फिर ऑफिस टेबल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्या आप अनचाहे बालों से परेशान हैं? तो टेंशन ना लें, अनचाहे बालों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए आपके मंडी शहर में अब उपलब्ध हो गई है डायोड लेजर की तकनीक, जो उपलब्ध है श्री हरिहर अस्पताल की मंडी शाखा में। अपरलिप, ठोड़ी, कान, चेहरे, गर्दन, कंधे, पीठ, पेट या फिर छाती पर आ गए अनचाहे बालों को क्या आप शर्मिंदगी का कारण समझते हैं? तो चिंता किस बात की, अनचाहे बालों से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। आज ही संपर्क करें डॉक्टर अदिति जम्वाल, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, श्रीहरिहर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, थनेड़ा बाजार, ऑपोजिट इंदिरा मार्केट, मंडी, हिमाचल प्रदेश। बीते रोज मंडी के पंचायती राज महासंघ द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता के दौरान बीरबल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने जो मान सम्मान पंचायती राज को दिया है, उसके लिए वे उन्हें तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही पंचायती राज महासंघ ने मुख्यमंत्री से पेंशन की मांग भी की है, जिसकी वे एक लंबे अरसे से आस लगाए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि वे इस मांग को लेकर जल्द ही शिमला जाएंगे। क्यों उन्होंने पंचायती राज महासंघ के सदस्यों का मान सम्मान बढ़ाया, उनको मान दे दिया, उप प्रधानों को पावरें दी, मेंबरों को पावरें दी, ये इन्हीं के समय पे सब काम हुए जो हमने मांगा इन्होंने दिया। अगर ये नहीं दे सके हैं अभी तो ये नहीं दे सके हैं पेंशन। हमारी सबसे बड़ी मांग है सरकार से कि पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन दी जाए, परंतु पेंशन मिलना बड़ी आवश्यक है, क्योंकि जब आदमी पंचायत में नहीं रहता है तो उसे पेंशन के बिना, पैसों के बिना गुजारा करना मुश्किल है। किसानों के लिए फसलों में लगने वाला रोग पीला रतुआ इन दिनों परेशानियों का कारण बना हुआ है। कड़े प्रयासों के बावजूद भी गेहूं की फसल को लगे इस रोग का प्रकोप थमने का नाम ही नहीं ले रहा। किसान सभा ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस रोग से हुए नुकसान के लिए किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। बीते रोज मंडी में किसान सभा का एक प्रतिनिधि मंडल किसानों की समस्याओं को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त मंडी HR चौहान से मिला और मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। किसान सभा के अध्यक्ष परसराम ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि फसलों पर लगी बीमारी पीला रेतुआ से पिछले वर्ष भी गेहूं की 80% फसल तबाह हो गई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की थी कि किसानों को रोग से हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए, लेकिन पिछले वर्ष भी इस जायज मांगों को अनदेखा किया गया था। किसानों ने आवारा पशुओं व जंगली जानवरों से हो रहे नुकसान की भरपाई करने की मांग भी उठाई है। ये जो किसानों का विभिन्न पंचायतों से आया हुआ है प्रतिनिधिमंडल जो है, उसने ज्ञापन सौंपा EDC के माध्यम से मुख्यमंत्री को, जिसमें मांग की गई है कि आजकल जो तत्काल किसानों की जो समस्या है वो है पीला रतुआ रोग और आवारा पशु। पीला रतुआ रोग से पिछले साल भी किसानों की 80% से ज़्यादा फसल तबाह हो गई थी। हिमाचल किसान सभा ने पिछले साल मांग करी थी ये जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी जो भरपाई है, उसका जो मुआवजा है वो सरकार दे, मगर सरकार ने उसका मुआवजा नहीं दिया। किसानों की पूरी तरह से अनदेखी कर रही है और अब की बार भी जो बजट भी सरकार ने पेश किया है उसमें किसानों के लिए सरकार ने कोई प्रोविज़न नहीं किया है। पीला रेतुआ बीमारी एक और जहां किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रही है, वहीं इन किसानों ने कृषि विभाग पर भी आरोप जड़ा है। किसान सभा के सह सचिव भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा जो बीज किसानों को बांटे जा रहे हैं, वह बीज ही बीमारी वाले हैं। उन्होंने इन बीजों की जाँच करवाने और इस समस्या का समाधान करने की बात भी कही है। जिस बीज के अंदर ये जो बीमारी आई है और पूरी की पूरी फसल तबाह हो रही है, और जो आजकल जो किसान है खेतों में इस रोग को देखे रो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो रोजी रोटी है पूरे साल भर का जो उनका गुजारा होता है उनको ये स्पष्ट दिख रहा है कि आने वाले समय में कोई अनाज नहीं होगा। तो हमारा ये मानना है कि सरकार इसकी जाँच करवाए कि ये जो बीज है ये कहाँ से लिया जाता है, कौन इसको सप्लाई करता है, और अब जब ये जो बीज के माध्यम से जो बीमारी पहुंची है इसका मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी इन मांगों पर जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया तो किसान सभा को मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना पड़ सकता है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। KA चैनल के लिए कैमरामैन विजय के साथ परीश शर्मा की रिपोर्ट। बहरहाल बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार ले चलेंगे आपको शीतला माता के साथ।
Sai Valley Hospital and Trauma Center, Kanad, Sundarnagar is now associated with Banga Hospitals Private Limited. Sai Valley Hospital mein uplabdh hai behtareen doctors ki ek puri team. Dr. M. A. Basit, Haddi Rog Visheshagya. Dr. Richa Basit, Bal evam Shishu Rog Visheshagya. Dr. Anil Bajaj, Medical Specialist. Dr. Sijo John, Shalya evam Durbin Vidhi Dwara Operation ke Visheshagya. साई वैली हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं की बात करें तो यहाँ उपलब्ध हैं ऑपरेशन थिएटर विद सीआर, यहाँ होते हैं रीढ़ की हड्डी व जोड़ों के ऑपरेशन व दूरबीन द्वारा इक्ते की पथरी के ऑपरेशन, टीएमटी, आईसीयू, मेजर एंड माइनर ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, जनरल एंड प्राइवेट रूम्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट साई वैली हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, कनाड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। और अब बात करते हैं मंडी के पुरानी मंडी में स्थित महाकाली मंदिर की। महाकाली के रथ को बीते रोज एक बार फिर अपने मूल स्थान यानी महाकाली मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। गौरतलब है कि माता के रथ को पूर्व कमेटी प्रधान द्वारा अपने घर में स्थापित कर दिया गया था, जिस पर स्थानीय निवासियों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। पुरानी मंडी स्थित महाकाली का रखरखाव संभाले बैठे पूर्व कमेटी प्रधान की कार्यप्रणाली पर स्थानीय लोगों ने एतराज जाहिर किया था। यहां तक कि जनता के रोष के बावजूद पूर्व प्रधान अपना पद त्यागने के लिए भी राजी नहीं थे। इस बात पर स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद ली और माता के रथ को एक बार फिर माता के मूल स्थान यानी माता महाकाली मंदिर में स्थापित कर दिया गया है, जिस पर जनता ने राहत की सांस ली है। ये जो है पहले जो है गुरुद्वारा भविष्यवाणी की गई थी वही तीनों कोर्टों में हुई और इन्होंने माता का जो है 2,65,000 रुपए जो है कोर्ट में खर्च कर दिया। और यहाँ पर आप माता के मंदिर की हालत देखिए कि टाइलें जो हैं सारी उखड़ चुकी हैं, हिसाब कोई नहीं है। इस कारण समस्त पुरानी मंडी निवासियों ने जो है निर्णय लिया, माता है किसी के घर में रखने की कोई जागीर नहीं है और वो रथ को लौटा ही नहीं रहा था। और इसके कारण हमें पुलिस को एसपी साहब को जो है विज्ञापन देना पड़ा और एसपी साहब की जो है उनके हस्तक्षेप से जो है यहाँ पर माता का जो रथ आया हुआ है। आखिरकार माता महाकाली ने अपने भक्तों की सुन ही ली है। माता एक बार फिर अपने मूल स्थान पर स्थापित हो गई है। उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही मंदिर की नई कार्यकारिणी गठित होगी और मां का आशीर्वाद उनके सभी भक्तों को मिलता रहेगा। कैमरामैन विजय के साथ परीश शर्मा की रिपोर्ट। खबर में रुक करते हैं पालमपुर का। फरेड में आयोजित किसान सम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सुलह के पूर्व विधायक जगजीवन पाल से कथित धक्का मुक्की की कांग्रेसियों ने कड़ी निंदा की है। एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व प्रदेश युवा कांग्रेस प्रवक्ता सुनील शर्मा ने कहा कि फरेड में आयोजित कृषक सम्मेलन एक सरकारी कार्यक्रम था जिसे हाईजैक कर भाजपा का सम्मेलन बना दिया गया था। वहाँ पे किसानों को कम और भाजपा के पदाधिकारी को ज्यादा बुलाया गया था, जिसमें आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता, उसकी सहायिका और भाजपा के पदाधिकारी लोग ज्यादा थे। जब इस बात के लिए पाल साहब ने उन झंडे और बैनर का विरोध किया तो सुलह के जो विधायक हैं विपिन सिंह परमार जी वे धक्का मुक्की पे उतर आए, जिसकी हम जो भी सीनियर कांग्रेसी यहाँ पे बैठे हैं हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेताया कि भविष्य में यदि किसी सरकारी कार्यक्रम को भाजपा का सम्मेलन बनाने की कोशिश की गई तो तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता उसका कड़ा विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक जगजीवन पाल की ईमानदारी, सहनशीलता और शराफत से जनता भली भांति परिचित है। अगर भविष्य में उन्होंने अगर किसी ऐसे प्रोग्राम जैसे केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित हो, सरकारी समारोह और इस तरह का आयोजन द्वारा किया तो युवा कांग्रेस जो है अपने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के साथ
फिर ऐसे प्रोग्रामों का बहिष्कार करेगी जिसका श्रेय वे खुद लेना चाहते हैं। इस मौके पर सुलह ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कश्मीर सिंह पटियाल, पूर्व ब्लॉक समिति एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता किशोरी लाल मेहता, कांग्रेस सेवादल प्रमुख ईश्वर दास, भरेड़ पंचायत के पूर्व प्रधान सुभाष चौधरी सहित अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। के चैनल के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। और अब रुख करते हैं बैजनाथ का। जिला परिषद सदस्य व कांग्रेस सेवादल संगठन तिलक राज ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि बीते दिनों बैजनाथ में महिला आयोग द्वारा लगाए गए शिविर के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी द्वारा प्रोत्साहन योजना के तहत सम्मानित किए गए महिला मंडलों के प्रति भेदभाव का रवैया अपनाया गया। उन्होंने कहा कि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 300 महिला मंडल आते हैं, लेकिन उन्होंने केवल 20 महिला मंडलों को ही सम्मानित करके वाह वाह लूटने का प्रयास किया है। ना ये 20 में सिर्फ 20 को ही अगर पुरस्कार देना था तो बाकियों के साथ अन्याय क्यों किया गया। मैं सिविन चुनर से पूछना चाहता हूँ, क्या बैनर क्षेत्र में बाकी महिलाओं ने आज तक कोई कार्य नहीं किया? क्या बाकी जो महिला मंडल हैं वो क्या आज तक सिर्फ ऐसे ही चल रही हैं? बैनर क्षेत्र में इसके अलावा उन्होंने गृह निर्माण के लिए लोगों को पैसे भी मुहैया करवाए, उसमें भी उन्होंने उन्हीं लोगों को चेक बांटे जिन्होंने 4-5 साल पहले से अपनी जो प्रार्थना पत्र दिए हुए थे। उन्हें 4.5 सालों में आज ही उन्हें इस क्षेत्र की याद आई। इससे पहले क्या वो इस क्षेत्र की मंत्री नहीं थी? क्या ये क्षेत्र पहले उनके दायरे में नहीं आता था? खबर में रुक करते हैं खेल से जुड़ी खबर की ओर। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में देवधार ट्रॉफी खेलने आए नॉर्थ जोन के कप्तान हरभजन सिंह और वेस्ट जोन के कप्तान पार्थिव पटेल ने के चैनल से बात करते हुए धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को विश्व भर के क्रिकेट मैदानों में सबसे खूबसूरत करार दिया है। भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर फिदा हो चुके हैं। सामने बर्फ से लदी धौलाधार पहाड़ियों को देख भज्जी से रहा नहीं गया और बोल उठे कि उन्होंने विश्व भर के सभी मैदानों में अपने जोहर दिखाए हैं और सभी मैदान देखे हैं, मगर यह मैदान उन्हें सबसे खूबसूरत लगा। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें दोबारा यहां खेलने का मौका मिलेगा तो वह फिर यहां खेलना चाहेंगे। ऑब्वियसली धर्मशाला का ग्राउंड सबसे खूबसूरत ग्राउंड है जितने भी ग्राउंड में खेला हूँ, और क्राउड ने आके काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे आने का, और ऑफकोर्स मौका मिलेगा दोबारा आके यहाँ पे खेलने जरूर खेलूँ। इस ग्राउंड की खासियत ये माउंटेन है, और ऑफकोर्स ग्राउंड इतनी खूबसूरत जगह पे होना अपने आप में मिसाल है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू HPCA फॉर मेकिंग सच ए वंडरफुल स्टेडियम एंड आई विश देम ऑल द लक एंड आई होप दे कंटिन्यू टू डू ग्रेट जॉब। वहीं वेस्ट जोन के कप्तान पार्थिव पटेल ने कहा कि धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से जल्द अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले होने चाहिए ताकि यहां के दर्शकों को भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों को देखने का आनंद मिल सके। हम चाहेंगे कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी इंटरनेशनल मैच हो ताकि इंडिया के लिए खेल सके लोग, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे, उनको भी इंडिया का मैच देखने को मिले। गौरतलब है कि धर्मशाला स्टेडियम जहाँ बेहद खूबसूरत है, वही लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस मैदान में जल्द से जल्द अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले जाएं। के चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निपी की रिपोर्ट। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही, परी शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।